अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिक्स क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस देखेंगे और फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले हम ये जो एक दो डेफिनेशंस इधर गिवन है जो आप लोगों को आनी चाहिए, हम पहले वो करते हैं। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो परसेंटेज की लिखी हुई है, ठीक है। हम परसेंटेज को समझ देंगे। परसेंटेज होती है क्या? परसेंटेज का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को 100 में से निकालना, वो 20% हो, 30% हो, वो हमने करना 100 में से ही होता है। ये देखिए, आउट ऑफ 100 में से ही निकालना। अब इसको लिखने का ये वे है, इनको ये लिखा हुआ है इस परसेंटेज को, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि परसेंटेज होती क्या। अब अगर हमने ये देखें, पहला कहता है कि पॉइंट कि किसी के साथ परसेंटेज लेके आनी हो तो मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना 100 के साथ। रूल नंबर 1 याद रख ले। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई परसेंटेज लेके आनी हो तो हमने उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं कि 1/100 इज़ इक्वल टू परसेंटेज है। ये वैल्यू आप लोग याद रख लें कि 1/100 किसके इक्वल है? परसेंटेज के इक्वल है, ठीक है। अब इस हम पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि इससे समझते हैं कि परसेंटेज का क्या कहता है। कि पहला रूल कहता था कि हमने 100 से ही डिवाइड कर देना है और 100 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल होकर क्या दे देगा? 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और ये 1/100 वैसे ही साथ चल रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1/100 किसके इक्वल है? परसेंटेज के। तो 1/100 की जगह हम परसेंटेज लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 40%, ठीक है। ऐसे फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें देखिए कि कहता है कि 1/4 परसेंटेज लेके आनी है, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये इसे कैंसिल होकर 25 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाएगा, और ये 1/100 किसकी जगह पर लिखा जा सकता है? परसेंटेज। तो 1/100 की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया? परसेंटेज। तो ये बन जाएगा 25%। इधर ये देखें, अब एक तो रूल ये था कि अगर हमने परसेंटेज लेके आनी हो तो 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से ही डिवाइड करते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हमने परसेंटेज का साइन रिमूव करना हो तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, ओके। उसको हम किसी 100 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो, कहता है कि 28% ये गिवन है इसके एग्जांपल में। तो अब हमने परसेंटेज ख़त्म करना है तो इधर 28 और 100 से डिवाइड कर देना जस्ट, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, 0. कुछ ये इधर लिखा हुआ 0. कुछ इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे यही है, ओके। हमने जस्ट किससे क्या कर देना है? 100 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, हम ये डेफिनेशंस करते हैं। हम अब इसकी ये कुछ डेफिनेशंस हैं ये देखते हैं। पहली डेफिनेशन है कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस वो होती है विच पे टू द परचेज अ गुड। अब वो चीज़ जो हम किसी को देते हैं, जैसे शॉपकीपर को हम चीज़ दे, पैसे दे के कोई चीज़ ले लेते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस मतलब अब अगर हमने कोई चीज़ ले ली 35 की और अब हम उसको सेल कर देते हैं 40 की, तो हमारे पास पर कितना प्रॉफिट हो गया? 5। तो कॉस्ट प्राइस वो होती है जो एक्चुअल अमाउंट में हम चीज़ लेते हैं। सेलिंग प्राइस वो आप लोग इंटरेस्ट रख के जितने भी आप लोग बेच सकते हैं, जैसे कि 35 की एक चीज़ ली है तो हम 40 की, 50 की, जितनी की भी आप सेल कर सकते हैं प्रॉफिट। और अब आप लोगों ने जो कॉस्ट प्राइस पे मतलब एक चीज़ ली है 50 की ली है और 60 की सेल कर दी है, तो उनमें प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिफरेंस कर सकते हैं। परसेंटेज में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आप लोगों ने क्या करना होता है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ये देखिए, प्रॉफिट को परसेंटेज में तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। और प्रॉफिट का ऊपर अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 100 से, ठीक है। अगर लॉस फाइंड करना हो तो पहले कॉस्ट प्राइस रखना है, फिर सेलिंग प्राइस रखना है। प्रॉफिट में पहले सेलिंग प्राइस और फिर कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज में भी ऐसे ही है। ये देखें फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि इधर सॉल्व की हुई चीज़ें होती हैं, जस्ट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि ये कैसे करना होता है।
अच्छा अब कहते हैं कि 25% परसेंटेज इधर आप लोगों ने ख़त्म करनी है, कितना बचता है ये 25% कुछ रहा। अभी मैंने क्या कहा था कि 25% को ख़त्म करना तो 100 से डिवाइड कर देना, अभी ये हो जाएगा 5 5 से 25 20 5 1 5 5 4 40 ये 1/4 आंसर बच गया, बन गया इसका 5 से डिवाइड कर देना तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने परसेंटेजेस को ख़त्म कर दिए, जस्ट सिंपल एक यही रखना है कि अगर जहाँ परसेंटेज लिखी हुई हो और उसको ख़त्म करना है तो उसको डिवाइड कर देना है किससे, 100 से, ठीक है। अब कहते हैं कि इसके साथ 0.2 इसके साथ परसेंटेज लेके आनी है। पहले तो हम इसको एक होल नंबर बनाते हैं, होल नंबर बनाने के लिए इसके बाद जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स लिखे हुए हों आप लोगों ने उतने नंबर उतने जीरो लगा देने। अब ये मैं टू का टू लिखती हूँ, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 0। अच्छा और दूसरा अभी हमने क्या करना था, परसेंटेज लेके आनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसमें परसेंटेज लेके आनी है, ठीक है। परसेंटेज लेके आनी है तो अब हम इसको इस इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके साथ 100 बन जाए, 100 बनेगा तो परसेंटेज आएगी ना। हम इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 20 और नीचे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 100, तो ये 20/100 बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 20 को 1/100, अब 1/100 किसके इक्वल था, परसेंटेज के इक्वल, 1/100 की वैल्यू किसके इक्वल है, परसेंटेज के इक्वल, तो ये बन जाएगा 20%, ठीक है। क्योंकि परसेंट की वैल्यू आप लोग याद रखें कि 1/100 है। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे 30% नेक्स्ट में पूछ रहा है कि 30% को अभी इस कहते हैं कि सिंपल इसको सोल्व करके दें कि 30% अभी परसेंट को ख़त्म करेंगे तो हम किसे डिवाइड कर देते हैं, 100 से, 100 की जगह ये कैंसिल आउट हो गया। अब 3/10 बच गया, 3/10 को डिवाइड कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कि अली ने कंप्यूटर ख़रीदा एक 5,000 का और उसके ऊपर 500 रुपये उसको सही करने में लगा दिए और उसको बेच दिया है 6,500 का, तो कहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। अगर आप लोगों को डायरेक्ट पता चल रहा है कि इतने का लेके इतनी की चीज़ सेल आउट कर दी है तो आप लोग ये फार्मूला ना भी लगाएं, एमसीक्यूज़ के तौर पे हमने करना है तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं। इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है 1,000 बचता है तो आप लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ एक कॉस्ट प्राइस, एक बुक की कीमत कितनी है, 30 है, उसने उसको बेच दिया 20 का, तो कहते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, 30 की चीज़ को लेके 20 में बेच दिया है तो माइनस करो कितना बचा, 10 रुपये उसने लॉस किया। अब कहते हैं कि परसेंटेज में इसको फाइंड करें, परसेंटेज में फाइंड करने के लिए ये देखें इधर सॉल्व किया हुआ है इसको, ये फार्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस ओवर 100, अब 10/30 एक्चुअल प्राइस है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों जीरो, जीरो से कैंसिल हो गए, 1/3 बच जाएगा परसेंटेज, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10% डिस्काउंट ऑन द रेडियो प्राइस, कहते हैं कि एक रेडियो की कीमत कितनी थी, 500, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है तो फाइंड करें डिस्काउंट 10, अब देखें 10% ऑफ 500, ऑफ की जगह पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई लगा देना, 10% की जगह पे 100 आ गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 500 का 500 आ गया, अब ये 2 0 0 से कैंसिल हो गए, 5 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना बचाएगा, 50, तो कितने परसेंट डिस्काउंट आएगा, 50% और 50 रुपये डिस्काउंट आएगा उसके ऊपर 500 के ऊपर। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहते हैं कि असलम, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि असलम लेके आया है 5 दर्जन अंडे, 5 दर्जन अंडे, उसकी कीमत कितनी है, 30 रुपये पर दर्जन, एक दर्जन कीमत 30 रुपये है, ठीक है। तो कहते हैं कि सोल्ड पर दर्जन एट द 40, उसने एक दर्जन को 40 रुपये के लिहाज से बेचा है। अब देखिए 5 दर्जन लेके आया है और एक दर्जन की कीमत 30 रुपये, एक दर्जन को उसने 40 रुपये के लिहाज से उसने बेचा है, ठीक है।
पहले हम 5 की फाइंड कर लेते हैं, 5 की हुई तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया 150। अब वही 5 हमने 40 की बेचे हैं, 40 के लिहाज से मालूम कर लेंगे तो कितने हो जाएगी सेल प्राइस 150 के ले गए हमने 200 के बेच दिए। वो कहता है कि इसका प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि इसको कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, हुआ 200 में से 150 हमने माइनस कर दिया तो कितना बच गया 50 रुपये, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 50 रुपये। अब ये देखें ना कि वो 5 दर्जन अंडे लेके आया है 30 रुपये के लिहाज से, और वही 5 दर्जन उसने 40 रुपये के लिहाज से बेच दिए, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइमा ब्राउट 10 पेंसिल। अच्छा, ये 10 पेंसिल लेके आई है कितने की, 20 रुपये की। उसने पेंसिल को बेच दिया है 2.5 के लिहाज से, कहते हैं कि परसेंटेज फाइंड करें। ठीक है, परसेंटेज हमने इसमें फाइंड करना है। पेंसिल लेके आई है 20 रुपये की और उसने सेल कर दी है 2.5 के लिहाज से बेची है, तो हमने 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि टोटल पेंसिल 10 ही, हमने इसका टोटल अमाउंट निकाली 25 आ गई। तो अब हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है, एक्चुअल में से जो टोटल अमाउंट होगी उसमें से जो हमने प्रॉफिट निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 रुपये उस पर प्रॉफिट होगा। परसेंटेज के अंदर निकालना है तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, उसको परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसमें कहता है कि परसेंटेज लेके आनी है, परसेंटेज लेके आनी है तो वही रूलर 2/5 परसेंटेज लेके आनी है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, ये पीछे आई थिंक सॉल्व हो चुका है। इधर 20 से मल्टीप्लाई होकर कितना दे जाएगा 40, और इसकी जगह पर परसेंटेज आ जाएगा, 40% बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि 20% ऑफ 150, जिस जगह पे भी ऑफ आए आप लोगों ने उस जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, परसेंटेज की जगह पे 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 150 का 150। अब ये देखें, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 बन जाएगा। ओके, ये ज़्यादा ये जो लिखा हुआ है इसको आप ना भी करें तो जस्ट वैसे ही कर लें, सॉल्व हो जाता है। अब इसमें भी देखेंगे 30% ऑफ 90, अभी परसेंट की जगह पे इस परसेंट की जगह ख़त्म करना है तो हमने 100 लिख देना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 90 का 90, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है इसको, तो 90 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 117 बन जाएगा, 117/10। अब इसको डिवाइड करके निकाल लो आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा। सिंपल डिवाइड करना है, डिवाइड तो आप लोगों से हो ही जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि 8 is 5% ऑफ व्हाट नंबर, इसमें पूछता है कि 8 is 5% ऑफ व्हाट नंबर। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है 8 5% का। अच्छा, अभी हमने ये पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आते थे ना कि जिसमें लिखा होता था 50% ऑफ, मतलब कोई भी नंबर गिवन होता था 10, 20, 50 कुछ भी, तो इधर है ओके एक्स, 55% ऑफ एक्स। अब उधर कुछ भी पूछा होता था, पीछे क्वेश्चन में पूछा होता है कि 20% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स, तो इधर पूछा है, इधर हम ये लिख लेट कर लेते हैं कि 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 है, वो किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। अब 5% की जगह पे मैंने क्या कहा था 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एक्स का एक्स और इज इक्वल टू 8, ये कर लेना है। ओके, अब ये देखें एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स आ जाएगा 5 और इधर 100 का 100 और ये किसके इक्वल आ रहा है 8 के। ठीक है, ये 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 800 से मल्टीप्लाई होगा 800, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 800। अब दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड भी कर दें तो ये बन जाएगा x और ये इससे डिवाइड होके दे देगा 160, तो x का आंसर बन जाएगा 160। ठीक है,
कितना बन जाएगा 160। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप लोगों को और भी समझ आ जाएगी। अब इसमें कहते हैं 35% ऑफ व्हाट नंबर, 35% ऑफ नंबर की जगह आता है इधर कोई भी आता तो इधर एक्स आ गया, ठीक है। हम 35 की जगह 35% की जगह 100, ऑफ की जगह एक्स और इज इक्वल टू 12। ये 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 35x ओवर 100 इज इक्वल टू 12। अब ये 12 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद दे देगा तो 120, ठीक है। ये बन जाएगा, अब 35 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, दोनों तरफ डिवाइड होने के बाद 35 का आंसर आ जाएगा ये। बाद में आप लोगों ने डिवाइड करके खुद इसको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन पूछता है कि व्हाट पर्सन पूछता है, तो जैसे हम सिंपल सॉल्व करते हैं, नंबर गिवन हुए होते हैं, नंबर की जगह पे आप लोगों ने जस्ट ये स्टेटमेंट रख लेनी है। इधर भी आप लोगों ने नंबर की जगह पे ये स्टेटमेंट रख लेनी है। इसमें भी कहते हैं कि 98% ऑफ 200, ठीक है, 98। अच्छा 98 इज इक्वल टू एक्स ओवर 100 और 200 से मल्टीप्लाई करना, देखिए 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 2x, 98 बन जाएगा, इधर 2x बच जाएगा, 2x के साथ डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, ये कैंसिल आउट होके इधर बन जाएगा 49%। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि 25 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, व्हाट परसेंट ऑफ द होल क्लास इज फेल। कहता है कि कितने परसेंट इसमें से होल क्लास है जो फेल हुई है, हमने परसेंट फाइंड करने है। अब 125% में से कितने पर 25 फेल है, 25 और 150 में से टोटल मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, परसेंटेज लेके आनी है, तो दोनों तरफ 100 से डिवाइड, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये सोल्व होके हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर पूरे का पूरा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखें 3 से ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 3 15, 5 5 25, ओके 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50/3 बन जाएगा, ये 50/3 उसकी जगह पे परसेंटेज आ जाएगा, 1/100 लिखा होता है उसकी जगह पे हम परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर डिवाइड होके हमारे पास दे देगा 60%, 16% स्टूडेंट फेल हुए, इसको डिवाइड कर लेना है, चाहे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है या तो फिर ऐसे ही जैसे ऐसे 50 को अंदर रख के 3 को बाहर करके डिवाइड कर लेना है, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि आकार कॉस्टिंग एक कॉल की कीमत कितनी है, गिवन वैल्यू है और इसके ऊपर कहता है 20% प्राइस कम की हुई है, तो फाइंड करें न्यू प्राइस कितनी बनेगी, 20% 10% उसके ऊपर डिस्काउंट है, ठीक है। अब हमने 10% को पहले ख़त्म करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल एक्चुअल अमाउंट जो भी गिवन है, 10 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, ये देखें इधर से कैंसिल आउट हो गए तो ये इक्वल आ गई। अब एक्चुअल अमाउंट में से जो न्यू अमाउंट बनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट ये बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट करें इनटू द लोएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, लोएस्ट कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको लिखने का एक वे ये है कि जो नीचे वाली रकम होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा 12 2 से मल्टीप्लाई हुआ 24 24 के अंदर 1 जमा कर दो 25 25/2। अच्छा परसेंट को भी ख़त्म करना है, परसेंट की जगह पे हम क्या करते हैं 100, ठीक है। अब ये देखें 25 5 और इधर आ जाएगा 4 और 1/4 आ गया। अब जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 8, सिंपल 8 आंसर आ गया। अब कहता है कि 40% ख़त्म करनी है तो हमने 100 से डिवाइड कर देना है, परसेंटेज ख़त्म करनी है 100 से डिवाइड कर देना है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये देखें 2 आ जाएगा, इधर 5 आ गया, 2/5 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल इजी इजी से क्वेश्चन से आप लोगों ने कर लेने हैं ये क्वेश्चन ऐसे। और नेक्स्ट अभी इसकी एक दो एक्सरसाइज और रहती है, इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों में ये कंप्लीट करते हैं 6 क्लास, उसके बाद 7 और 8 करते हैं।